नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल। वृश्चिक राशि वालों, मार्च महीना 2020 ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कई सारे ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं मार्च माह में, क्योंकि एक तो यहाँ पर शनिदेव 30 सालों के बाद अपनी राशि मकर में आए हुए हैं। ऐसे में बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, जो बहुत बड़ा एक योग होता है कुंडली में। और सस नामक एक राजयोग बनने से धन योग भी आपके कुंडली में इस समय ज़बरदस्त बन रहे हैं। यहाँ पर दूसरी बात, धनु में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, तो 29 मार्च को वह मकर राशि में चले जाएंगे। और सूर्यदेव भी 14 मार्च को रात को मीन राशि में चले जाएंगे। और राहु केतु के होने से ऐसे में आपके ऊपर ग्रहों का जो फल है आपके ऊपर बहुत ही शुभ बैठ रहा है। और हम पहली बात तो ये भी बताएं कि इस महीने में आपकी जो राशि के स्वामी मंगल देव हैं वो अभी धनु राशि में रहेंगे, 22 मार्च के बाद मकर राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 7.5 साती निकल चुकी है, 7.5 साती नहीं लगेगी। जो 7.5 साती होती वो अब तो आपकी चली जा चुकी है, क्योंकि अभी शनिदेव मकर राशि में जा चुके हैं। तो अब 7.5 साती और ढया शनि वृश्चिक राशि वालों के ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं है। अब हम बात करते हैं कैसा जाएगा ये आपका माह मार्च माह। आपका भाग्योदय बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है इस माह। समय का आप सदुपयोग बिल्कुल ना करें। देखिए, आपके भाग्य खुलने वाले हैं, कोई बड़ी योजना आप बना सकते हैं। और बस ये समझ लें कि ये योजना आपके धरातल पर उतरेगी भी, और आपको जो लाभ होगा उस लाभ का डंका भी बजेगा, क्योंकि आप यहाँ पर हर हाल में विजयी साबित होंगे हर हाल में। लेकिन समझदारी से काम लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, आपका मेहनत अच्छा जाएगा, और आपको 18 मार्च के बाद आप कहीं विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। विदेश से लाभ होगा, और उसके साथ जैसे आप फिल्मी ग्लैमर संगीत कपड़ों या कला के क्षेत्र में सौंदर्य प्रसाधन के व्यवसायी हैं, तो फिर यहीं आपको अगर ब्यूटी पार्लर आपने खोल रखा है तो आपका ये दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, और पारिवारिक जीवन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर इस समय आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए जीवन के 4 चांद लगा देगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में भी आप इस समय अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। साथ ही मार्च माह में आप वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं, यह ऐसा योग बन रहा है। आपके घर में कोई हो सकता है कार्यक्रम हो, जैसे मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, या शादी से संबंधित कोई कार्यक्रम हो सकता है, चर्चाएं हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई, जिनका विवाह नहीं हुआ है वृश्चिक राशि वालों का, उनका एक अच्छा सा योग बन रहा है शादी के योग, और नए नए रिश्ते आ सकते हैं और बन भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको आशीर्वाद और सुफल प्रदान कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है, और अगर आप ध्यान देकर चलते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो आपके लिए आपका बेहतर हो। पुराना कोई रोग आपका उभर सकता है, इसलिए ध्यान दें जरूर। दाम्पत्य जीवन बेहतर जाएगा, हमने पहले ही बताया कि आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं उनके साथ, कहीं थोड़ा मनमुटाव जो आपसी पहले था उसे आप इस माह में सुलझा लेंगे। आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन सुंदर पाठ का आपके लिए उपाय है। पूरे मार्च माह आपको मंगलवार के दिन सुंदर पाठ का आपको पाठ करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हनुमान जी को आपको 11 लड्डू हर मंगलवार अगर आप चढ़ाएं तो मार्च माह में आपके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।